तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको M1887 के साथ वन टैप वर्चुअल लगाने के लिए एक न्यू ड्रैग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो आज से पहले आपने सिर्फ दो ही ड्रैग टेक्निक्स के नाम सुने होंगे, एक होता है स्ट्रेट ड्रैग, दूसरा होता है रोटेशन ड्रैग। पर आज जो मैं आपको ड्रैग तकनीक के बारे में बताने वाला हूं, आप उसे ऐसा भी कह सकते हो कि आपने इसे स्ट्रेट ड्रैग और रोटेशन ड्रैग को मिक्स करके न्यू ड्रैग तकनीक बना दिया है। और इस ड्रैग तकनीक का यूज खास करके फ्री स्टाइल जो गेम प्ले करते हैं वही इस ड्रैग तकनीक का यूज करते हैं, या फिर जो बंदे बहुत ज्यादा फास्ट खेलते हैं, या फिर जो वन टैप कस्टम खेलते हैं, मतलब कि वन टैप मारने के लिए इस ट्रिक का ज्यादातर यूज किया जाएगा। तो अगर आप भी वन टैप कस्टम्स खेलते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि आपके लिए ये ड्रैग प्रोसेस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप इससे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वन टैप वर्चुअल लगा सकते हो अपने एनिमी को। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। तो ये ड्रैग प्रोसेस यूज किया जाएगा क्लोज रेंज में, और इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, आपका एम एनिमी की बॉडी के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपका एम रेड एम होना चाहिए। आज से पहले आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें हमें यही बताया जाता है कि अगर आपने क्लोज रेंज में किसी एनिमी को वन टैप वर्चुअल लगाना है तो आपको अपने एम को एनिमी से दूर रखना पड़ेगा, बोले तो अपने एम को बाइट रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा, फिर हम वन टैप वर्चुअल लगा सकते हैं। पर आज जो मैं आपको ड्रैग प्रोसेस बताने वाला हूँ वो खास करके यूज़ होगा तब जब आपका एनिमी क्लोज रेंज में होगा और आपका एम उसकी बॉडी के ऊपर चिपका हुआ होगा, मतलब कि आपका एम रेड होगा तब। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं कि रेड एम से क्लोज रेंज में वन टैप हेडशॉट कैसे मारें। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इस ट्रिक में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। जैसा हम पहले करते थे, सुपर जंप लेते थे, तो सुपर जंप करने के बाद हम अपने एम को बाइट कर देते थे, पर यहाँ पे अगर हमारा एम रेड हो गया तब हमें क्या करना है, जब हमारा एम रेड हो जाएगा उसके बाद जैसे ही हमारे करेक्टर के पैर जमीन को टच करेंगे हमने यहाँ पे कौन सा ड्रैग करना है वो आप देख लो। हमने अपने फायर बटन को नीचे को खींच के एकदम से ऊपर को खींच देना है और इससे हमारा वन टैप एक्चुअल लग जाएगा। रिजल्ट आप वीडियो में देख सकते हो, इसी ड्रैग तकनीक से मैंने यहाँ पे वन टैप एक्चुअल लगाया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपका एम क्लोज रेंज में एनिमी की बॉडी के ऊपर चिपक गया है तो आप इस ड्रैग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। आप अलग अलग इस सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से यूज़ किया है आप इससे अपोजिट भी यूज़ कर सकते हो, आपको वन टैप हेडशॉट मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको ये ड्रैग करते टाइम ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट कि जब आप अपने फायर बटन को नीचे को खींचोगे, नीचे को ड्रैग करोगे, उसके बाद जब आप इसे ऊपर को ड्रैग करोगे तो आपकी स्पीड दोगुनी होनी चाहिए, मतलब कि आपको बहुत ही फास्ट अपने फायर बटन को ऊपर को ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी धीरे ड्रैग करोगे तब आपका बॉडी शॉट लग जाएगा या फिर आपकी 2-3 बुलेट ही रेड नंबर लग पाएंगे। और इस ड्रैग प्रोसेस से रिकॉइल नहीं हो सकता, अगर मतलब कि रोटेशन ड्रैग में ऐसा होता है कि जब हम रोटेशन ड्रैग करते हैं तो हमारा ड्रैग एनिमी के हेड के ऊपर चला जाता है, तो इस ड्रैग प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। पर अगर आपके साथ ऐसा होगा तो समझ जाना कि आपकी जो सेंसिटिविटी होगी वो ज़्यादा है। अगर आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तब ऐसा हो सकता है, या फिर आप हद से ज़्यादा ड्रैग करोगे तब भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट की आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाओ फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसको अपने गेम प्ले में ऐड कर लो। और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरी UID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।